नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम सूजी के क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत है सूजी की, दही की, दही की जगह आप मट्ठा भी ले सकते हैं, बारीक कटी प्याज की, बारीक कटे हरे धनिए की, बारीक कटी हरी मिर्च की, बारीक घिसे हुए अदरक की, बेकिंग सोडे की, नमक की, हींग की और काली मिर्च पाउडर की। अब हम एक बर्तन में सूजी करेंगे, उसमें दही को मिलाएंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे, हींग डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। हमने सूजी के पेस्ट में एक कटोरी पानी मिलाया है। पेस्ट इस तरीके का होना चाहिए, ये ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें बेकिंग सोडा मिलाएंगे। हमारी सूजी की पकौड़ियों का पेस्ट तैयार है। अब हम इसे तलेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें सूजी के पकौड़ी तलेंगे। अब हम इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और इसे इस तरीके से तेल में डालेंगे। इसी तरीके से हम सभी पकौड़ियों को डाल लेंगे। मीडियम गैस पर इन्हें हमें हल्का सुनहरा होने तक तलना है और पकौड़ियों को अलटते पलटते रहें। हमारी पकौड़ियां सुनहरी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए, हमारी सूजी के क्रिस्पी पकौड़े तैयार हैं। ये आपको कैसे लगे ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।